हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस, योर इन टाइम क्लासरूम। तो गाइस, अभी चल रहा है हमारा लास्ट सिक्स मंथ का करंट अफेयर्स। इनफैक्ट लास्ट सिक्स मंथ नहीं, लास्ट एट मंथ्स का करंट अफेयर्स, ठीक है, जो नवंबर से हम लोग कवर कर रहे हैं। नवंबर मंथ आपका पूरा हो चुका है और अभी हम लोग करने वाले हैं दिसंबर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक सांस्कृतिक त्यौहार संगाई फेस्टिवल मनाया है। तो बस यहाँ से आपको याद रखना है कि संगाई फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है, किस राज्य ने मनाया है। तो संगाई फेस्टिवल मनाया गया है मणिपुर के द्वारा। किसके द्वारा? मणिपुर के द्वारा मनाया गया है संगाई फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उल्लू महोत्सव कहाँ मनाया गया है। भारतीय उल्लू महोत्सव नामक भारत का पहला उल्लू उत्सव है, ये कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया पुणे महाराष्ट्र में। क्या मनाया गया? भारतीय उल्लू महोत्सव, ठीक है, कहाँ मनाया गया? पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र विधानसभा ने 29 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठा समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेंगे मराठाओं को? ये मिलेगा 16%। कितना मिलेगा? 16% आरक्षण मिलेगा मराठाओं को और अगर हम लोग यहाँ से एक कैलकुलेशन करें तो महाराष्ट्र में टोटल 68% आरक्षण अब मिल जाएगा। पहले से 52% था। अगर अदर्स को भी हम लोग शामिल कर लें, जितने भी तरह के रिजर्वेशन होते हैं, ठीक है, सबको अगर शामिल कर लें तो पहले से 52% था और 16% स्पेशल मराठों के लिए हो गया, यानी अब टोटल 68% आरक्षण मिलेंगे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल आयोग CWC ने कावेरी नदी पर 5,912 करोड़ रुपए की लागत वाली मकेदतु परियोजना के लिए किस राज्य को मंजूरी दी है। यहां से आपको याद रखना है मकेदतु परियोजना, ठीक है। तो मकेदतु परियोजना किस राज्य का एक परियोजना है? तो यह है कर्नाटक का। नाम क्या परियोजना का? मकेदतु परियोजना। देखो, यही परियोजना जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको लगेगा कि ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो सकता है, कहीं से कुछ रिलेटेड हो, तो जरूर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस कारण से ये पहले से बुक में आप नहीं पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो अगर आपका करंट अफेयर्स मजबूत है तो ही ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो मकेदकु परियोजना कहाँ है? मकेदकु परियोजना है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हौसला 2018 का आयोजन किया। हौसला 2018 नामक एक परियोजना चलाया गया, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया हौसला 2018। तो इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो इसका आयोजनकर्ता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। हौसला 2018 का आयोजनकर्ता कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि विजय वर्मा और डैश दो भारतीय नौसेना अधिकारी हैं जिन्हें 28 नवंबर 2018 को सिंगापुर में स्ट्रेट्स टाइम्स ग्लोबल आउटलुक फोरम 2019 में 7वें एशियाई ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियाई ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? कहाँ किया गया? सिंगापुर में स्ट्रेट्स टाइम्स ग्लोबल आउटलुक फोरम में, ठीक है, सिंगापुर में स्ट्रेट्स टाइम्स ग्लोबल आउटलुक फोरम में, जो इसका 7th एडिशन था उसमें एशियाई ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया विजय वर्मा। और दूसरा इंसान कौन है? दूसरा इंसान है पी राजकुमार। कौन है? पी राजकुमार। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने जमैका रेग, ठीक है, जमैका रेग का मतलब यहाँ से है कि जमैका देश है, उसका एक चीज है रेग, ठीक है, यानी एक खेल है रेग, जॉर्जियाई कुश्ती यानी जॉर्जिया का कुश्ती और जापान का राइयोसिन, ठीक है, राइयोसिन, ये सभी अनुष्ठान जो हैं इन सारे देशों के, ठीक है, इसको अमूर्त विरासत की सूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो। क्वेश्चन ये बोल रहा है, किस संगठन ने जमैका रेग, जॉर्जियाई कुश्ती और जापानी राइयोसिन, ये सभी वहाँ का अनुष्ठान है, ठीक है, तो इन सभी को अमूर्त विरासत की सूची में किसने डाला। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से चीज़ों को डाला गया। तो ये ऑब्वियस है कि अगर अमूर्त विरासत की सूची में डाला गया है तो ये किसके द्वारा डाला गया होगा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, तो आपका आंसर है यूनेस्को। लेकिन आपको याद ये रखना है कि यूनेस्को ने जमैका के किस चीज़ को डाला, तो जमैका रेग को, ठीक है,
जॉर्जिया के किस चीज को, जॉर्जिया के कुश्ती को, और जापान के राइयोसिन, जापान के राइयोसिन, ये वहाँ का लोकल अनुष्ठान है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ का लोकल अनुष्ठान है, जिसको अमूर्त विरासत की सूची में यूनेस्को के द्वारा डाला गया है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वर्ण परिषद के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे। विश्व स्वर्ण परिषद, विश्व स्वर्ण परिषद, इसके अगले मुख्य कार्यकारी यानी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त होंगे, तो कौन होंगे, ये होंगे डेविड टेट। कौन होंगे, डेविड टेट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, जो केंद्रीय रेल मंत्री को भारत में कहीं से भी ट्रेनों और माल की समयबद्धता और यात्री कमाई का ट्रैक रखने में सक्षम बनाएगा। यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो रेलवे मिनिस्टर, जो भी होंगे रेलवे मिनिस्टर, उनको रेलवे के हर एक चीज़ को ट्रैक करने में यानी मॉनिटर करने में मदद करेगा। तो उसका क्या नाम है, आपको ये बताना है, तो उसका नाम है ई दृष्टि। क्या नाम है इसका, ई दृष्टि। अब आपसे क्वेश्चन, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई दृष्टि किस फील्ड से संबंधित है, तो ये रेलवे से संबंधित है, ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है। आसान सा क्वेश्चन है कि ई दृष्टि एक ऐप है या एक सॉफ्टवेयर है या किससे संबंधित है, रेलवे से। अब रेलवे में इसका फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन है रेलवे मिनिस्टर को हर एक चीज़ का अपडेट करेगा, कितना कमाई हो रहा है, कितना कहाँ पे क्या समय लग रहा है, ठीक है, सारा टाइम टेबल इनके पास आ जाएगा इस सॉफ्टवेयर के मदद से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1 से 10 दिसंबर 2018 तक 19वां हॉर्नबिल फेस्टिवल मना रहा है, तो आपको यहाँ से याद रखना है हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है, एक पक्षी है हॉर्नबिल, ये नागालैंड का बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, और इस बार 1 से 10 दिसंबर के बीच में 19वां संस्करण मनाया गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना, सेना और भारत के वायुसेना, नौसेना सेना का मतलब हुआ थल सेना, और भारत के वायुसेना से जुड़े बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवा अभ्यास का नाम बताएं, जो 17 नवंबर से 23 नवंबर 2018 तक गोवा और करवार तटों से समुद्र में आयोजित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये तीनों का मिश्रित, हमारे नौसेना का, थल सेना का और वायुसेना का, तीनों का मिश्रित संयुक्त सेनाभ्यास है, ठीक है, जिसका आयोजन गोवा और करवार तटों पर हुआ, ठीक है, आपको ये बताना है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मदद 2018। क्या नाम है उसका, मदद 2018। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक भारत में दुनिया के स्टंटिंग या कम ऊंचाई बच्चों का लगभग 10% हिस्सा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टंटिंग का मतलब क्या है, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। स्टंटिंग का एक तरह का आप बोल सकते हो बीमारी है, ठीक है, जिसमें बच्चों का हाइट ग्रो नहीं होता, यानी हाइट उनका कम रह जाता है, ठीक है। तो दुनिया का अगर टोटल ऐसे बच्चों का आकलन करें जिनका हाइट कम रह गया है या जिनमें ग्रोथ नहीं हो पाया है, उसमें से अगर भारत को हम देखें तो भारत में दुनिया के बच्चों का कितना हिस्सा बचा है, तो ये 1/3 हिस्सा यानी 1/3, ठीक है। तो स्टंटिंग से जो भी बच्चे जूझ रहे हैं उसमें से 1/3 बच्चा भारत में ही है, तो ये बहुत बड़ा एक नंबर बोल सकते हो आप है भारत में, और ये सब जो माल न्यूट्रिशन होता है यानी कुपोषण होता है उसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ द्वारा जारी की गई चिल्ड्रन HIV और एड्स द वर्ल्ड इन 2030, ये पूरा एक रिपोर्ट है जिसका नाम है चिल्ड्रन HIV एंड एड्स द वर्ल्ड इन 2030, यानी 2030 में बच्चे HIV और एड्स, ये एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार दक्षिण एशिया में HIV वाले बच्चों और किशोरों की उच्चतम संख्या किस देश में है, तो किस देश में है, ये है भारत में, तो ये एक बहुत ही बुरा खबर है भारत के लिए। ये यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है, इसका नाम है चिल्ड्रन HIV एंड एड्स द वर्ल्ड इन 2030, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी किया गया था कि 2030 तक जो दुनिया का एक रूप होगा उसमें से बच्चे HIV और एड्स का क्या पाया जाएगा, क्या क्या किस तरह का एक समन्वय स्थापित होगा इन तीनों में, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कि दक्षिण एशिया में अगर HIV वाले बच्चों का आकलन करें तो 2030 तक जो मैक्सिमम होगा और अभी भी मैक्सिमम है वह है भारत में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 2018 को सिखों द्वारा कृपाण रखने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आपत्तिजनक हथियार विधेयक 2018 में संशोधन करने वाले देश का नाम बताइए, यानी किस देश ने सिखों को कृपाण रखने का परमिशन दे दिया है। यह है यूके, ठीक है, कि कौन सा देश है, वो है यूके। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 29 नवंबर 2018 को किस देश में इबोला प्रकोप को इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप घोषित किया गया। इबोला प्रकोप को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप घोषित किया गया किस जगह का, ठीक है, तो यह कांगो का। कांगो में 2018 में इबोला का जो प्रकोप रहा वो दुनिया का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप कहा जा रहा है, ठीक है। इससे पहले इस तरह का केस देखने में आया था साउथ अफ्रीका में, कहाँ आया था, साउथ अफ्रीका में। तो पहला प्रकोप साउथ अफ्रीका में देखा गया था और दूसरा कहाँ देखा गया, कांगो बेसिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कानूनी संस्था पहचानकर्ता, जिसको हम लोग शॉर्ट में LEI बोलते हैं, ठीक है, LEI। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, LEI का फुल फॉर्म क्या होता है, LEI इसका फुल फॉर्म होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। क्या होता है, लीगल, आप इसको नोट डाउन कर लो, आपके जो फुल फॉर्म जो एब्रिविएशन होता है उसमें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये होता है LEI। तो कानूनी संस्था पहचानकर्ता इसका हिंदी हुआ। इसमें कोड में कितने अक्षर होते हैं, तो देखो अभी RBI ने हाल ही में जो LEI है इसको मैंडेटरी कर दिया, यानी ये जरूरी कर दिया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उन सबको लेन देन के लिए ये LEI कोड मस्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि LEI कोड में कितने अक्षर होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 20 अक्षर, ठीक है, कितने अक्षर होते हैं, 20 अक्षर LEI कोड में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस के पेरिस के मेयर एनी हिडाल्गो ने 30 नवंबर 2018 को डेस के फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड के सम्मान को रद्द कर दिया, यानी फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड का सम्मान जो था वो किनसे छीन लिया गया है, तो वह है आंग सान सू की। आंग सान सू की के बारे में बता दें, ये म्यांमार की हैं, ठीक है, और म्यांमार में अभी भले ही ये प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली ये गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो म्यांमार की है वो इन्हीं का है, ठीक है, और इनको बदनामी झेलना पड़ा है अभी पूरे वर्ल्ड में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर। अब एक चीज़ यहाँ से याद रखना कि क्यों इस तरह का चीज़ हुआ इनके साथ, यानी फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड भी छीन लिया गया और इसके साथ साथ ही दो तीन और चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है यहाँ से, वो सब छीन लिया गया इनसे, ऐसा क्यों हुआ, तो रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर जो इनका अपना क्या बोल सकते हैं, जिस तरह से इन्होंने उसको हैंडल किया वो पूरे वर्ल्ड में अनएक्सेप्टेबल था, ठीक है, और उनको बहुत ही बदनामी इसके लिए झेलना पड़ा है। तो इससे पहले फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड तो इनसे छीना ही गया, दूसरा आपको और याद रखना है कि कनाडा का सिटीजनशिप भी इनसे छीन लिया गया, ठीक है, कनाडा का सिटीजनशिप, कहाँ का, कनाडा का सिटीजनशिप छीन लिया गया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल में ये एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस थी, क्या थी, एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस, वो भी पद इनसे छीन लिया गया है। यानी टोटल तीन चीज़ों को इनको खोना पड़ा है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो है फ्रीडम ऑफ पेरिस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ पेरिस, दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, कनाडा का सिटीजनशिप, और तीसरा हम लोगों ने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल में जो ये एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस थी, क्या थी, एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस, वो पद से भी इनको हटा दिया गया है, किनको, तो आंग सान सू की को। अगला क्वेश्चन है कि म्यूनिक में महासभा में ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा उच्चतम पुरस्कार ब्लू क्रॉस से किसको सम्मानित किया गया। ये ब्लू क्रॉस क्या है, ये ब्लू क्रॉस ISSF द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, इससे किसको सम्मानित किया गया, इससे सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा को, किसको सम्मानित किया गया, अभिनव बिंद्रा को। अगला क्वेश्चन है कि जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई, तो जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त हो चुकी है और आपको ये बताना है कि वो कौन है, तो वो है सलोम जुराबिस्वली, कौन है, सलोम जुराबिस्वली, सलोम जुराबिस्वली ये जॉर्जिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद अजीज का निधन हो गया,
वह पे उनका पेशा क्या था? मोहम्मद अजीज, ये बहुत ही फेमस शख्स हैं और आपको पता होना चाहिए कि ये किस फील्ड में थे। तो मोहम्मद अजीज जो थे ये एक गायक थे, बॉलीवुड सिंगर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1 दिसंबर 2018 को मेक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो मेक्सिको के अभी राष्ट्रपति कौन है? यह है एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन है? एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये है मेक्सिको के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर 2018 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी एंड सीईओ, ठीक है, एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का? कौन है वो? वो है एएस राजीव। कौन है? एएस राजीव है एमडी और सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ड्रोन ऑपरेटरों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल का नाम बताएं जिसे 1 दिसंबर 2018 को नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने घोषित किया है। तो क्या बोला जा रहा है? बोला ये जा रहा है कि उस टाइम के जो उड्डयन मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने 1 दिसंबर को क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहाँ से अगर कोई भी ड्रोन ऑपरेटर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इससे कुछ समय पहले ही ड्रोन का जो नॉर्मल यूज़ है वो आप भी अपने घर में कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप अदर व्हीकल्स को यूज़ करते हो आप ड्रोन भी यूज़ कर सकते हो, इसका लीगल परमिशन दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो पोर्टल कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। उसका नाम है डिजिटल स्काई। क्या नाम है उसका? डिजिटल स्काई। डिजिटल स्काई नामक और जो एक पोर्टल है वहाँ पे जाके ड्रोन ऑपरेटर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूके के कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में डैश की पुष्टि की। किसने? कैम्ब्रिज डिक्शनरी। जिस तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसी तरह से कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी बहुत ही फेमस है यूके का, ठीक है। तो इसने पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर यानी वो वर्ड जिसको पीपल्स ने चुना है या पीपल्स ने उस चीज़ को बहुत अधिक फेस किया है या उस चीज़ का बहुत अधिक यूज़ हुआ है, ठीक है। इस तरह से पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है और 2018 में पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसको बताया है? तो ये बताया गया है नीमोफोबिया को। किसको? नीमोफोबिया को बताया गया वर्ड ऑफ द ईयर, पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर। अब नीमोफोबिया क्या होता है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नीमोफोबिया क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है और वो एसएससी का तैयारी करता है तो उनको इतना पता होगा, ठीक है, वो लोग वन वर्ड में पढ़ते हैं तो नीमोफोबिया भी पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। नीमोफोबिया ये एक थोड़ा सा न्यू वर्ड है और इसका मतलब होता है कि अपने मोबाइल फ़ोन के बिना होने के विचार पर डरना या एक आप बोल सकते हो ना टेंशन होना, ठीक है, चिंता हो जाना इस चीज़ का कि अरे मेरे पास मेरा मोबाइल नहीं होगा, कैसे मैं रहूँगा, क्या करूँगा, मेरे मोबाइल के साथ क्या हो रहा होगा। तो इस तरह का चीज़ अभी देखो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, मोबाइल से जो लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा बीमारी है। और अगर मैं एक रिसर्च के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक रिसर्च हुआ था कुछ दिन पहले कि अगर आपके पास मोबाइल है और अगर 5 मिनट तक आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हो, यानी 5 मिनट अगर हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार देख लें मोबाइल में, बस सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी हिडन चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए, 5 मिनट के दौरान अगर आपको ये बार बार अर्ज हो रहा है अंदर में, बार बार ये फीलिंग हो रहा है कि मेरे मोबाइल में क्या हुआ, थोड़ा सा देख लें एक बार उठा के, कुछ नहीं करना है उसमें, बस एक बार टच करके देख लूँ क्या कुछ मैसेज आया है, कुछ कॉल आया है या कुछ भी, एक बार देख लें बस मोबाइल को हाथ में लेकर, अगर इस तरह का एक प्रॉब्लम इस तरह का एक चीज़ आप भी फेस कर रहे हो, इसका मतलब आप भी मोबाइल से एडिक्टेड होते जा रहे हो, ठीक है, और ये एक तरह का बीमारी है। तो इस चीज़ से अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप भी इस फील्ड में घुसते जा रहे हो तो अपने आप को समझाओ कि नहीं, मोबाइल 5 मिनट क्या, 10 मिनट आधा घंटे तक मैं मोबाइल को नहीं छूऊंगा, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह का हैबिट अगर आप अभी से जनरेट नहीं करोगे तो आप आगे चल के 1-2 सालों में इस बीमार के शिकार हो जाओगे, उसके बाद फिर आप मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये एक रिसर्च में कहा गया था। एक और रिसर्च हाल ही में हुआ तो उसमें यह पता चला कि इस बार दुनिया में जो सबसे जो खतरनाक चीज़ अभी होते जा रहा है वो यही है, मोबाइल फ़ोन ना होने का डर, जिसको बोलते हैं नीमोफोबिया या नीमोफोबिया, ठीक है, नीमोफोबिया। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, नीमोफोबिया।
अगला क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर 2018 को कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन में परीक्षण चालन के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की पहली रेल इंजन रहित ट्रेन कौन सी है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा क्योंकि ये दिसंबर का बहुत ही फेमस न्यूज़ था, ठीक है, और अभी तक कितने एग्जाम में ये पूछे गए हैं इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये कौन सा ट्रेन है, ये है ट्रेन 18। कौन सा है, ट्रेन 18। लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, कोटा सवई माधोपुर सेक्शन में परीक्षण चालन हुआ है इसका। कहाँ हुआ, कोटा सवई माधोपुर सेक्शन में इसका परीक्षण हुआ था, ये आपको याद रखना है। इसका जो स्पीड था वो 180 किलोमीटर के पार हो चुका था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये इंजन रहित ट्रेन है, ये भी आपको याद रखना है, ट्रेन 18। अब इसके बाद क्या हुआ इसके साथ, इसके बाद हुआ कि इसका नाम बदल गया, ठीक है, इसका नाम ट्रेन 18 का बदल चुका है और अभी नाम जो है वो है वंदे भारत। क्या नाम है इसका, वंदे भारत, वंदे भारत इसका नाम हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, इस ट्रेन का नाम। अगला क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर 2018 को, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश आगरा में सिन्यू मैत्री 2018, क्या है नाम इसका, सिन्यू मैत्री 2018 नामक पहला 5 दिवसीय द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास भारत और किस देश ने शुरू किया है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको याद रखना है, सिन्यू मैत्री 2018, सिन्यू मैत्री 2018 इसका जो आयोजन हुआ वो उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, तो सिन्यू मैत्री कैसा अभ्यास है, ये वायुसेना अभ्यास है, किन दो देशों के बीच हुआ, तो एक देश तो है भारत, दूसरा देश है जापान। कौन सा देश है, जापान। यहाँ बहुतों को कन्फ्यूजन होगा, ये लोग मार देंगे सिंगापुर, लेकिन सिंगापुर नहीं है, सिन्यू मैत्री 2018 यह है जापान और भारत के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 13वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, 13वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा था, तो यह था अर्जेंटीना में, ठीक है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 13वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है, यह भारत। कौन सा देश है, भारत, जो 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने 3 दिसंबर 2018 को पेरिस फ्रांस में आयोजित 2018 बेलॉन डी ओर पुरस्कार, बेलॉन डी ओर अवार्ड, ठीक है, बेलॉन डी अवार्ड जीता। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया, क्वेश्चन है फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताना है आपको जिसने 3 दिसंबर 2018 को पेरिस फ्रांस में आयोजित एक पुरस्कार जीता है, वो पुरस्कार का नाम है बेलॉन डी ओर पुरस्कार, बेलॉन डी ओर पुरस्कार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये, ठीक है, तो फुटबॉल के फील्ड में। तो ये किसने जीता है, ये जीता है लुका मैड्रिड ने, किसने, लुका मैड्रिड ने ये अवार्ड जीता है। और लुका मैड्रिड कहाँ से खेलते हैं, ये क्रोएशिया से खेलते हैं, ठीक है, क्रोएशिया से, कहाँ से खेलते हैं, क्रोएशिया से ये खेलते हैं, ठीक है। अब यहीं पर एक और चीज़ आपको याद रखना है कि बेलॉन डी ओर पुरस्कार था ये, अब अगर एग्जाम में आ जाए बेलॉन डी ओर फेमिनिन पुरस्कार, क्या आ जाए, फेमिनिन पुरस्कार, फेमिनिन पुरस्कार, ठीक है, अगर फेमिनिन पुरस्कार यहाँ पे आ जाए तो उसमें जो विनर है वो कोई और है, वो है एडा हगरबर्ग। क्या नाम है इनका, इनका नाम है एडा, ये आप नोट ऑन कर लो, एडा हगरबर्ग, हगरबर्ग, ठीक है, एडा हगरबर्ग, एडा हगरबर्ग ये नॉर्वे के हैं, ठीक है, नॉर्वे के हैं। और इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने बेलॉन डी ओर, यहाँ पे फेमिनिन आप जोड़ दो, ठीक है, फेमिनिन पुरस्कार, बेलॉन डी ओर फेमिनिन पुरस्कार ये जीता गया है एडा हगरबर्ग न्यूजीलैंड, सॉरी नॉर्वे के, और लुका मैड्रिड जो क्रोएशिया से खेलते हैं, इन्होंने बेलॉन डी ओर पुरस्कार जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में ब्रैडमैन संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र के बगल में किस भारतीय क्रिकेटर की हस्ताक्षरित जर्सी को रखा गया है। आपको ये बताना है कि सबसे पहला ये याद रखना है कि ब्रैडमैन संग्रहालय है कहाँ, यह है ऑस्ट्रेलिया में। देखो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन उस लेंदीपन के कारण उसमें मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड कर देता हूँ जो आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो ब्रैडमैन संग्रहालय कहाँ है, ब्रैडमैन संग्रहालय है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के ब्रैडमैन संग्रहालय में जो सचिन तेंदुलकर के बगल में
एक जर्सी रखा गया है, सिग्नेचर जर्सी रखा गया है, वो किस प्लेयर का है? तो वो है विराट कोहली का। किसका है? विराट कोहली का सिग्नेचर जर्सी है, वो सचिन तेंदुलकर के चित्र के बगल में रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का नाम बताएं जिन्हें 3 दिसंबर 2018 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो डिजिटल ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो योनो ऐप किसका है? ये तो जब लॉन्च हुआ था तभी बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, अब शायद ये पुराना हो गया तब आपसे ना पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि योनो ऐप जो है वह SBI का है। ठीक है, SBI का जो आप वॉलेट यूज़ करते हैं वो योनो है SBI का। अब योनो का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है अभी, ये आपको बताना है, और वो फेमस इंसान है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी उन्होंने जीता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये कौन है। तो कौन है वो? वो है स्वप्ना बर्मन। कौन है? स्वप्ना बर्मन। स्वप्ना बर्मन को योनो का जो ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया गया है SBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि तमिल लेखक का नाम बताएं जिन्हें 5 दिसंबर 2018 को अपने उपन्यास संचरम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संचरम किस भाषा में है? यह है तमिल भाषा में। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं एस रामकृष्णन। कौन है? एस रामकृष्णन, जिनको मिला है तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको याद रहना चाहिए कि ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में? 24 भाषाओं में। इसमें से तमिल का किसको मिला? एस रामकृष्णन को, संचरम के लिए। अब 24 में 24 याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो बहुत ही फेमस होता है वो हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, जैसे इस बार का संचरम जो था ये बुक, ये तमिल भाषा में और बहुत ही फेमस था, इस कारण से एस रामकृष्णन को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा 24 भाषा में से आपको हिंदी और इंग्लिश, ये मस्ट है, आपको याद रहना चाहिए। हिंदी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हिंदी का क्वेश्चन मैंने आगे के क्वेश्चंस में इंक्लूड किया भी है, और मैंने जानबूझ के गैप रखा है ताकि थोड़ी देर बाद आप फिर से पढ़ो तो आपको वो रिकॉल हो जाए। ठीक है, मैं अभी एक बार बता दे रहा हूँ, हिंदी का मिला है चित्रा मुदगल को। किसको मिला है? चित्रा मुदगल को। ठीक है, चित्रा मुदगल को मिला है हिंदी का। किस चीज़ के लिए? तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था 203 नाला सोपारा। ठीक है, 203 नाला सोपारा ये था इनके उपन्यास का नाम, चित्रा मुदगल का, जिनके लिए इनको क्या मिला? इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में मिला। दूसरा है इंग्लिश के लिए किसको मिला है? ये मिला है अनीस सलीम को। किसको मिला है? अनीस सलीम। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनीस सलीम को मिला है इंग्लिश के लिए, और द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स। ठीक है, द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, ये है बुक का नाम, द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, इसके लिए अनीस सलीम को मिला है इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी का किसको? चित्रा मुदगल को, 203 नाला सोपारा के लिए। ठीक है, और तमिल भाषा का भी हम लोग देख रहे थे, संचरम के लिए एस रामकृष्णन को। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दिल्ली डेयर डेविल्स, आपको पता होगा कि इस बार जो IPL हुआ उसमें दिल्ली डेयर डेविल्स नाम नहीं था, उसमें नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? दिल्ली कैपिटल। क्या कर दिया गया? दिल्ली कैपिटल। दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के इतिहास का कालक्रम से अभिलेख करने वाली ब्लू वाटर्स अहॉय किताब का लेखक कौन है? क्या बोला जा रहा है? भारतीय नौसेना के इतिहास, ठीक है, हमारे इंडियन नेवी का जो है उनका इतिहास का कालक्रम, उसके अनुसार अभिलेखित एक बुक है जिसका नाम है ब्लू वाटर्स अहॉय। इस बुक के राइटर कौन है ये आपको बताना है। इसके राइटर है अनूप सिंह। ठीक है, कौन है? वाइस एडमिरल अनूप सिंह। कौन है? वाइस एडमिरल अनूप सिंह। इन्होंने एक बुक लिखा है ब्लू वाटर्स अहॉय। तो यहां से देखो दो क्वेश्चन बन सकता है, ब्लू वाटर्स अहॉय ये किस फील्ड से संबंधित है? तो ये बुक है जो नौसेना से संबंधित है, भारतीय नौसेना से। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाइस एडमिरल अनूप सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उलझन ही उलझन, क्या है बुक का नाम? उलझन ही उलझन पुस्तक के लेखक का नाम बताएं, पहली पुस्तक जिसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो उलझन ही उलझन ये पुस्तक का नाम है, और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लिखा जाने वाला ये पहला पुस्तक है इनका। क्या है नाम इनका? जोसेफ फेंसो डेला वेगा। क्या नाम है? जोसेफ फेंसो डेला वेगा। इन्होंने एक बुक लिखा है उलझन ही उलझन, जो स्टॉक एक्सचेंज के फील्ड से है, और ये होपफुली पहला बुक है।
अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2018 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2018 सेलिब्रिटी 100 में शीर्ष पर कौन रहा? तो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी किया गया सेलिब्रिटी 100, ठीक है, 100 सेलिब्रिटी का नाम जारी किया गया, इसमें से शीर्ष पर कौन रहा यह आपको बताना है। शीर्ष पर कौन रहा? यह रहा सलमान खान। सलमान खान रहे फोर्ब्स इंडिया 2018 सेलिब्रिटी टॉप 100 में टॉप पोजीशन पे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में उपन्यास श्रेणी के तहत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 के लिए चुने गए लेखक का नाम बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। यह है चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल को हिंदी भाषा में मिला है, और किस चीज के लिए? तो 203 नाला सोपारा, ठीक है, 203 नाला सोपारा बुक के लिए। और अनीस सलीम, मैंने अभी बताया अनीस सलीम को इंग्लिश के लिए मिला है, और क्या नाम है इनका बुक का? यह है द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 3 से 6 दिसंबर 2018 तक भालू पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भालू पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था आगरा उत्तर प्रदेश में। आगरा उत्तर प्रदेश में भालू पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इससे पहले हम लोगों ने इस तरह का एक और क्वेश्चन देखा, उल्लू पर महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो पुणे महाराष्ट्र में। भले ही ये सब क्वेश्चन आपको सिली लग रहा होगा, पर जब एग्जाम में आपको आ जाए और आपको याद ना रहे, तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना जो आसानी से आपको मार्क्स दिला सकता है, आप मजाक मजाक में इसको याद रख सकते हो, ठीक है। उल्लू महोत्सव, ये भी कोई महोत्सव है, इस तरह से आप क्रिटिकली इसको याद रख सकते हो, ये कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। फिर भालू पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? आगरा में, ठीक है। तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2035 तक दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर भारत में है, ठीक है। तो भारत में सबसे तेजी से 10 बढ़ने वाले शहर हैं, इसमें से जो टॉप लिस्ट पे है वो कौन है? वो है सूरत गुजरात। कौन है? सूरत गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 2018 को कौन सी एयरलाइंस अपने बेड़े में 200 विमान रखने वाली पहली भारतीय वाहक बन गई है? यानी कौन सा ऐसा पहला कंपनी है जिसके पास 200 विमान हुआ है? तो ये कौन सी कंपनी है? ये है इंडिगो। इंडिगो के बेड़े में 200 विमान हो गया है, और भारत का ये पहला कंपनी है जिसके पास इतना विमान है। अगला क्वेश्चन है कि किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने घोषणा की है कि यह 2.5 साल यानी 2.5 साल की शुरुआत के बाद मार्च 2019 में अपने मैसेजिंग ऐप एलो को बंद कर देगा? अब यहाँ से देखो, ये इतना फेमस है नहीं कि आपको ये पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इसका जो पेरेंट कंपनी है वो बहुत फेमस है, ठीक है। एलो, एलो एक मैसेजिंग ऐप था, जिस तरह से आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो उसी तरह से एलो एक ऐप था जिसको गूगल ने लॉन्च किया था, ठीक है। और 2.5 साल पहले इसने ये लॉन्च किया था, मार्च 2019 में ये फाइनली क्लोज करने जा रहा है, दिसंबर में इसने अनाउंस किया था, ठीक है। नाम क्या है? एलो। तो आपसे पूछा जा सकता है बंद हुए एलो मैसेजिंग ऐप किसका है? ये है गूगल का। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2019 से एक साल के लिए तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2019 में पूरे 19 के लिए एक साल के लिए ओपेक के अध्यक्ष के रूप में कौन नामित हुए हैं? कौन है वो? वो है मैनुअल स्लावेडोर क्वेडो फर्नांडीज। क्या है नाम? फर्नांडीज, ठीक है, बड़ा सा नाम है इनका, मैनुअल स्लावेडोर क्वेडो फर्नांडीज। ये कौन है? ये है ओपेक के अध्यक्ष, ठीक है। एक या दो बार अच्छे से आप इसको देख लो, आपके आंख में छप जाएगा कौन है ओपेक का अध्यक्ष। बहुत बड़ा नाम है, मैनुअल स्लावेडोर क्वेडो फर्नांडीज, ये है ओपेक के अध्यक्ष, और एक साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2019 तक सार्वजनिक परिवहन पर सभी किराए को समाप्त करने वाला पहला देश बन जाएगा? कौन सा देश है जो सार्वजनिक किराया, जो आप पब्लिक, जो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस सेवा यूज़ करते हो या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस पर कोई भी आपको, हम लोग जिसको फेयर बोलते हैं, बस भाड़ा जिसको बोलते हैं, वो आपको नहीं लगेगा? कौन सा देश है? यह लग्जमबर्ग। कौन सा देश है? लग्जमबर्ग, जो सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो भाड़ा है वो ख़त्म करने वाला है, यानी किराया ख़त्म करने वाला है, और आपका जो वहाँ पे किराया होगा वो जीरो होगा, कहीं पे भी आप ट्रेवल कर सकते हो। क्यों किया गया ऐसा? ये इसलिए किया गया क्योंकि जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है,
वो दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसको बोल सकते हो ट्रैफिक प्रॉब्लम, ये इस देश में बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। इसके कारण से सरकार ने वहाँ पे एक फैसला लिया है कि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया जाए ताकि लोग अपने गाड़ी के बदले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें और ट्रैफिक कम लगे। ठीक है, ये एक अच्छा पहल है और मैक्सिमम सरकार को ये करना चाहिए। अब देखो हम लोग के यहाँ पे भी ऐसा सिस्टम है कि हर एक दूसरे फील्ड में किसी ना किसी तीसरे फील्ड से पैसा ले लिया जाता है। ठीक है, टैक्स वाइज या कुछ भी प्रॉब्लम हो वो वसूल लेते हैं। तो इस तरह का एक मेंटालिटी यहाँ पे भी क्रिएट होना चाहिए हमारे देश में भी, जिस शहर में या जिस एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर देना चाहिए या कुछ रेंटल। जैसे अभी आप इंटरनेट यूज़ करते हो, अभी मैक्सिमम 98% लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो आप 3 महीने 4 महीने के लिए 400 रुपये डालते हो, 500 रुपये डालते हो मैक्सिमम जो आप अभी यूज़ कर रहे हो, तो ये एक रेंटल हो गया। अब मस्ट है ये, आपको इंटरनेट भी यूज़ करना मस्ट है और पैसा डलवाना भी मस्ट है, तो इतना आप बेयर कर सकते हो। पहले आप डालते थे कितना, 300 या 400 रुपये पर मंथ डालते थे अगर आपको अच्छा स्पीड चाहिए तो। ठीक है, अभी उसमें आप आसानी से काम चला सकते हो। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छा खासा पैसा कमा सकती है, अभी हर चीज़ पर सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट पे भी देना, ट्रांसपोर्ट पे अगर देती है तो उससे क्या होगा, सबसे पहली बात उससे जो पॉल्यूशन है रेट वो बहुत ही कम हो जाएगा। जो देश में अभी अरबों रुपए आप पॉल्यूशन को बचाने के लिए, यानी कि पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए खर्च कर रहे हो, उसके बदले में अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया जाए ना तो सरकार का पैसा भी बचेगा और आदमी का भी पैसा बचेगा। अब आपको अगर फ्री ट्रांसपोर्ट मिले गवर्नमेंट का तो आप क्यों नहीं यूज़ करोगे उसको, क्यों अपना आप गाड़ी यूज़ करोगे, सिंपल सा है। तो 60-70% उसको यूज़ करने लगेंगे, जो बड़े लोग हैं वो लोग यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन 60-70% लोग पब्लिक कन्वीनियंस को ही यूज़ करेंगे अगर इस तरह का स्टेप लिया जाता है। तो पहला देश कौन बन गया है वर्ल्ड का, ये लग्जमबर्ग, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 2018 को कौन सा देश पहली बार द्रवित प्राकृतिक गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में दुनिया का अग्रणी निर्यातक बन गया है। तो अभी तक इसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये बना है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी तक जो टॉप पे रहा करता था वो था कतर। ठीक है, कतर हमेशा टॉप पे रहा है किस चीज़ में, तो ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। आप ध्यान दो यहाँ पे LNG है, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम गैस नहीं है। तो पेट्रोलियम गैस सॉरी नेचुरल गैस में, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में टॉप पे रहता था कतर, लेकिन 2018 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसमें टॉप पर पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 2018 को 3 साल की अवधि के लिए किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो 2018 में 3 साल के लिए किया गया है, यानी 2021 तक के लिए आपको याद करना नहीं पड़ेगा अगर एक बार आप याद कर लोगे तो। कौन है वो जिनको मुख्य आर्थिक सलाहकार, देखो इस तरह की चीज़ों को जब आप पढ़ते जाते हो ना तो आपके दिमाग में एक डाटा तैयार होता है। अब आपने जान लिया कि 3 साल के लिए ये चेंज होने वाला नहीं है, तो 3 साल के लिए आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आप बिना जांच के अगली बार जब आप पढ़ोगे आप देखोगे मुख्य आर्थिक सलाहकार है, अरे हाँ ये तो 3 साल के लिए नियुक्त हुआ था। ठीक है, तो आप आसानी से उसको कम से कम 2 साल तक तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हो। तो वो कौन है जिनको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है, वो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्या क्या गया है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2018 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंग्रेजी में द रिपब्लिकन एथिक, ठीक है, अंग्रेजी में बुक का नाम है द रिपब्लिकन एथिक और हिंदी में लोकतंत्र के स्वर इस नामक 2 किताबों को जारी किया गया। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको ये बताना है कि इसमें किनके भाषणों को एकत्रित किया गया। ठीक है, इस पुस्तक में डैश द्वारा चुने गए भाषणों द्वारा संकलन शामिल है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इस बुक में किसके भाषण का संकलन है। तो ये है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों का संकलन है जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी किया गया है और इंग्लिश में बुक का नाम है द रिपब्लिकन एथिक और हिंदी में नाम है लोकतंत्र के स्वर। अब जो रिपब्लिकन एथिक है इंग्लिश वाला, इसमें जो टोटल भाषणों को कलेक्ट किया गया है वो है 95। ठीक है, और हिंदी वाला जो है लोकतंत्र के स्वर, इसमें है टोटल 109 भाषणों का संकलन। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड 100% रेलवे एग्जाम में आपका ये पूछा जाएगा। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट
लिमिटेड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये उद्घाटन किया गया है केरल में। कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया गया है केरल में। क्या नाम है? कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि आईएनएस कुड्डालोर नामक एक निर्वासित भारतीय नौसेना के जहाज में भारत का पहला पानी के नीचे डैश में खोला गया है, पानी के नीचे संग्रहालय डैश में खोला गया। क्वेश्चन यहाँ से आपको समझ में आया, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है पानी के नीचे एक म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है, और उस म्यूजियम के लिए यूज़ किसको किया गया है? यूज़ किया गया है एक पुराना, अपना ही पुराना एक सबमरीन है जिसका नाम है कुड्डालोर, ठीक है, आप याद रखना कुड्डालोर ये निर्वासित सबमरीन है, ठीक है, एक सबमरीन है जिसका नाम है कुड्डालोर, इसको यूज़ करके पानी के नीचे एक संग्रहालय बनाया गया है। तो अब आपको ये बताना है कि वो कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया पुडुचेरी में। कहाँ बनाया गया? पुडुचेरी में। कौन सा INS यूज़ किया गया है? ये किया गया कुड्डालोर जो एक निर्वासित INS है, ठीक है, पुडुचेरी में यूज़ किया गया और पानी के नीचे एक संग्रहालय बनाया गया है और यह है भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि 8 दिसंबर 2018 को चीनी शहर सान्या में आयोजित मिस वर्ल्ड समारोह के 68वें संस्करण में मिस वर्ल्ड 2018 का ताज किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2018 अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो अब तक क्यों नहीं आता है ये आप खुद से पूछो कि 2018 में इतना बड़ा अवार्ड दिया गया और आपको आता नहीं है अभी तक, तो अभी आप याद कर लो नहीं आता, तो मैं तो हूँ ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2018 का ताज किसको पहनाया गया 2018 में? ये पहनाया गया किनको? वेनेसा पोंस डी लियोन। ये है मिस वर्ल्ड 2018 और ये कहाँ की है? ये है मैक्सिको की, ठीक है, मैक्सिको की है वेनेसा पोंस डी लियोन और मिस वर्ल्ड 2018 इनको चुना गया, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। ओके।